जिस यूनिट में भी उसका नाम बस बहसियत वोटर दर्ज होगा वहां वो वोट देगा। ये सौदेबाजी छोड़ दें कि हर बात पे सौदेबाजी के लिए जी आ जाएं, इस पे सौदेबाजी कर लेते हैं। मैं आपको बतौर वकील अपनी राय देना चाहता हूं। एक ऐसा वकील जो जिसके लॉ मिनिस्ट्री के दौर में पूरे आईन को देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैकड़ों से ज्यादा मुकदमात आईनी उनमें मैं पेश हुआ, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। अगर कोई पूरी असेंबली भी मिलकर कहना चाहे कि उनको कोई सौदेबाजी के जरिए से हम उनके हक से महरूम करें, तो ऐसा करने से आईन का आर्टिकल 8 मना करता है। वो कहता है बुनियादी हुकूक के मुतसादम कानून साजी भी नहीं हो सकती। दो चीजों के खिलाफ पाकिस्तान में कानून साजी नहीं हो सकती, एक कुरान और सुन्नत हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान हदीस के हवाले से, और दूसरी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक से मुतसादम है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। और सिर्फ एक शर्त है, और वो ये है कि अगर किसी को कंपिटेंट कोई अदालत है वो अनसाउंड माइंड का कि जहनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, अब जाहिर है उसके लिए पहले मेडिकल बोर्ड होते हैं, तो वो एक सूरत ही है जिस सूरत में किसी को महरूम किया जा सकता है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम गर्दानते हुए हुकूमत पाकिस्तान इसी हफ्ते जो हमारे मगरबी बॉर्डर के पार अमरीकी फौजों के इनखला के हवाले से माहौल पैदा हो रहा है, उस पर पार्लियामानी लीडर्स को ब्रीफ किया जाएगा। जो हमारे मुतलका इदारे हैं वो करेंगे। इसलिए मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि बगैर बजट को पढ़े हुए इतराजात किए गए, लेकिन जब बजट फ्लोर पे आया तो इतराज कोई नहीं हुआ, कट मोशंस आई। और कट मोशंस किस में आई? वो सारे इदारे जो एहतसाब करते हैं, माली एहतसाब करते हैं, माली बदउनवानी का एहतसाब करते हैं, करप्शन का एहतसाब करते हैं, किक बैक का एहतसाब करते हैं। मतलब क्या था कि एक ग्रैंड एनआरओ, सब इदारों के फंड बंद करो खुद ही मर जाएंगे। इन सारे इदारों के फंड्स में इमरान खान की हुकूमत आने के बाद इजाफा किया गया, और उसका सबब है ये इदारे पहले हाथ खड़ा कर देते थे, अब वहां वहां हाथ डाल रहे हैं जहां कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था पाकिस्तान की 73 साल तारीख में। मैं चाहूंगा कि ये आपके खिदमत में पेश कर दी जाए, जो एक समझने के लिए एक पेपर है और एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के उन 3 आर्टिकल्स को समझने के लिए, और एक जजमेंट है। ये सारी आप मैं अभी हम तकसीम कर देते हैं। दो बातें क्या कि मैं चाहूंगा कि फरूख हबीब साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन वो भी आपसे बात करेंगे। पहली बात ये है कि पंजाब में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी और मरकज में भी हम और हमारे इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके इत्तेहादी, हम आईन की बालादस्ती में यकीन रखते हैं और वही रवायत हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरह से बजट को रोकने की कोशिश की गई बलूचिस्तान असेंबली में, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाकया आप नहीं बता सकेंगे। और जिस तरह जो कुछ यहां हुआ वो भी नेक नामी नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत का रिफॉर्म का एजेंडा है उसमें से ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे पे सरे फहरिस्त हैं, उन पे काम भी जारी है, जब वो सामने आएंगी उस पे भी आप अपने कमेंट्स और आप अपना इनपुट दे सकते हैं। और जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ लॉ रिफॉर्म्स,
इन तीनों रिफॉर्म्स के हवाले से मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सारी जमातें, इसलिए कि नेशनल असेंबली में कुछ जमातें ऐसी हैं जो सेनेट में सिर्फ मौजूद हैं, उन सब को दावत देता हूं कि वो ऑब्जेक्टिवली मुस्बत तौर पर पाकिस्तान के लोगों को, अदालतों में साला साल लगते हैं, तफ्तीश में गड़बड़ हो जाती है, थानों में अकूबत होती है, मुसीबत होती है, खर्चे होते हैं, ये सारी सूरत हाल वो है जो पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी को किसी न किसी हवाले से दरपेश आती है। इस पे सर जोड़ के बैठे, पाकिस्तान का असल एजेंडा ये है। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने, उनके खिलाफ जो जजमेंट आई है वो बंद गली में चले गए। पहले उनके पास बहाना था कि वो इलाज करा रहे हैं, इलाज वाला ऑर्डर और बेल वाला ऑर्डर खत्म हो गया, फाइनल जजमेंट में मर्ज हो गया, फाइनल जजमेंट आ गई है। फाइनल जजमेंट का एक ही तरीका है, नवाज शरीफ साहब कानून के सामने सरेंडर कर दें, कोई दूसरा रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है। जब तक इस जजमेंट की रोशनी में वो सरेंडर नहीं करते, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते, इसलिए कि वो कैदी हैं जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत के। एक रेफरेंस में 7 साल के कैदी हैं, दूसरे रेफरेंस में 10 साल के कैदी हैं, और आके उनको वो कैद काटना है जो अदालत ने कहा है, जिसके ऊपर बहस हो रही है। मैं एक कमेंट वो भी दे देता हूं, अदालत ने ये कहा है कि जब वो वापस आएंगे तो रिसरेक्शन के लिए, यानी दोबारा केस बरामद करने के लिए दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन 7 शर्त ये लगाई है कि उस दरखास्त का फैसला भी कानून के मुताबिक होगा। और कानून जनरल मुशर्रफ के केस में ले डाउन कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हुआ, नीचे भी हुआ, कि मफरूर और उससे पहले हयात बख्श केस में कि मफरूर को आईनी हुकूक हासिल नहीं रहते, ऐसा मफरूर जो पाकिस्तान की अदालत को और आईन को और कानून को ना मानता हो। फरख हबीब साहब जी, जिस तरह अभी बाबर अवान साहब अभी आपको बता रहे थे, देखें ये मैं समझता हूं कि एक तरफ हमें आईन की बालादस्ती का, कानून की बालादस्ती का एक दर्स देते हैं, दूसरी जानेब जो है वो इनके अपने ही खिलाफ जो है वो फैसला आता है, और फैसला उस अदालत से आता है जो अदालत इनको इलाज के लिए 8 हफ्तों की बेल देती है, और वही अदालत जो अदालत इनकी अपील आने की सूरत में एवन फील्ड की सजा को जो है वो सस्पेंड करती है उसके फाइनल फैसले तक। अब उसी अदालत से जो है वो फैसला आ जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सजाएं हैं, चाहे वो एवन फील्ड का मामला हो जो नैब अदालत के जज बशीर साहब ने उनको सजा सुनाई थी, या अल अजीजिया का मामला हो, दोनों केसेस के अंदर नवाज शरीफ की सजाएं जो हैं वो बहाल कर दी जाती हैं। तो लिहाजा जो इनका अपना दर्स है कानून की हाकमियत का, आईन की हाकमियत का, तो उस फैसले के ऊपर अगर ये अमल दरामद नहीं करते तो उसके अंदर पूरी कौम को खुला तजाद नजर आता है, और ये तजाद जो है वो हमेशा से मौजूद है, क्योंकि पूरी कौम ने देखा था कि एवन फील्ड के उस ट्रायल के दौरान इनको फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, ट्रायल लंबा चला, इनको अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका फराहम किया गया, और खोदा पहाड़ था, निकला कतरी खत था, और कैलबरी फाउंड के जाली ट्रस्ट डीड निकली थी, उसके अलावा इनके पास दिखाने को जिन महलात में नवाज शरीफ अब आराम फरमा रहे हैं उन महलात का कोई रिकॉर्ड इनके पास किसी सूरत मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है, जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक जमानत दी थी, एक स्टाम्प पेपर जमा करवाया था कि मैं नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगा, मैं उनका गारंटर हूं, और वही गारंटर जो रात के अंधेरे में पतली गली से मुल्क से फरार हो रहे थे, आज उनकी अखलाकी हैसियत क्या रह जाती है उनके पास कि अदालत जो है वो नवाज शरीफ को मफरूर और इश्तिहारी होने की बुनियाद के ऊपर उनकी अपीलों को खारिज करके उनके सजाओं को बहाल कर देती है। यहाँ जो कौमी असेंबली में
शहबाज शरीफ खड़े होकर बतौर अपोजिशन लीडर इतना लंबा लंबा दर्श देते हैं, तो बात यह है कि आप जो है वो दूसरों को नसीहत करते हैं, खुद मियां फसीहत बने हुए हैं, और आपने आपके पास अपने भाई को लेकर आना था और उनकी साहबजादी मरियम सफदर ने, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, अक्सर आपने सुना होगा, उन्होंने आके मोहर साबित कर दी इस चीज के ऊपर कि नवाज शरीफ जो पोलो मैच खेल रहे हैं, पोलो मैच देख रहे हैं, लंदन की ठंडी हवाओं में वॉक करते नजर आ रहे हैं, कॉफी पीते नजर आ रहे हैं, वो सेहतमंद हैं, वो तंदुरुस्त हैं, उनका जो इलाज होना था वो इलाज हो गया है। तो लिहाजा वो कह नहीं थी कि अगर उनको एनआरओ मिल जाए, एनआरओ से मुराद कि अगर उनको जेल में ना जाना पड़े, लूटा हुआ पैसा वापस ना करना पड़े, तो उनको हम अगली फ्लाइट से मुल्क में वापस ले आएंगे। तो एक तरफ चचा कह रहे हैं कि मैं गारंटर हूं, बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो भतीजी साहिबा एनआरओ मांग रही है जेल से बचने के लिए, तो लिहाजा बीमारी तो ना हुई। तो शहबाज शरीफ के पास भी मैं समझता हूं कि बतौर ऑपोजिशन लीडर कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता कि वो बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असेंबली के अंदर कंटिन्यू करें बतौर अपोजिशन लीडर, और जो है वो खड़े होके हमें कानून और आइन की जो है वो बड़े बड़े दर्श दें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये पूरा खानदान जो है वो इनकी तमाम जिदोजहद जो है, चाहे वो पांव पकड़ने तक हो, चाहे वो मजाहमत से मुफामत के नाम पर हो, सारी इनकी जिदोजहद जो है वो अपनी जाती चोरी लूटे हुए माल को बचाने की मुकमुका तक है। इनका ना तो पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक है, ना इनको पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स से कोई दिलचस्पी है, ना ही इनको कोई साफ और शफाफ इंतखाबात से दिलचस्पी है। ये चाहते हैं कि जो सल्तनत मुगलिया शरीफ खानदान की बनी हुई थी वो किसी तरीके से जो है वो कायम रह सके, और उसके रस्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो वजीर आजम इमरान खान इनको नजर आते हैं, क्योंकि पता है कि वो बाहर अपना माल नहीं बना रहे, वो बाहर इस मुल्क का लीडर है जो अपने असासे बाहर जिसने मेहनत करके बनाए थे वो बेच के बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर आया था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दिया था और 60 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, 60 डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डॉक्यूमेंट भी जो है ना तो वो कैलबरी फंड पे मबनी था और ना ही वो कतरी खत जैसी जो है वो अलिफ लैला की को कहानी थी, बल्कि वो बैंक्स का रिकॉर्ड था, रसीदें थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक अमीन डिक्लेयर किया था। तो लिहाजा वो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हैं, और इनकी लीडरशिप का आलम यह है कि ये तमाम तक ना ये अदालती फैसलों को मानते हैं, ना ये उनके ऊपर अमल दरामद करने को तैयार होते हैं। तो मैं ये नवाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूं कि लंदन में बैठ के आप जो है अदालती मफरूर बनकर आप अल्ताफ हुसैन तो बन सकते हैं, क्योंकि लंदन में सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही बन सकता है जो कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता, इदारों की एहतराम को नहीं मानता, आप नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते। अब यह फैसला आपके ऊपर है कि आपने जो है अल्ताफ हुसैन टू बनना है या यहां आकर जो है वो वापस कानून की और आइन की हाकमियत को तस्लीम करना है, लूटा हुआ पैसा वापस करना है और जेलों में अपनी सजाएं पूरी करनी। तकसीम करवा दें, कर दीजिए, मिल गए। देखिए, जो कौमी सलामती के मुतल्लिका मामलात हैं उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर हमने एक बड़ा अहम करदार अदा किया है, और पाकिस्तान के जो हमारे इदारों के सरबराह हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ हो या दीगर हमारे मुतल्लिका जो सिक्योरिटी एजेंसी से इदारे हैं, उनके तमाम सरबराहान जो हैं उसके अंदर उन्होंने भरपूर एक लीडिंग रोल प्ले किया है। तो ये जो आइंदा आने वाला इजलास होगा इसके अंदर भी तमाम क़यादत जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने शरीक करेगी और उसकी तफसीलात आपके साथ जल्द शेयर कर देंगे। अली शेर साहब, न्यू न्यूज़।
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये प्रोसेस वेलेबल पाकिस्तानियों वाला अगर एक चार्ट प्लान होता है कि कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाना है, आप लोगों ने टास्क रखा है कि ये कब तक कर लिया जाएगा। दूसरा कुछ चीजें जिनको इलेक्शन कमीशन ने भी मुतनाजा करार दिया और ये तकरीबन वही थी जिसके सुप्रीम कोर्ट भी पहले पिछले फैसले में जो है वो कह चुकी हुई थी, तो आप समझते हैं कि ये अगर इलेक्शन कमीशन वही स्टैंड लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया अपनी कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन बता रहे तो हुकूमत का केस कमजोर लगता है। एक चीज ये बता दें कि नवाज शरीफ के वापसी के लिए हुकूमत क्या कर रही है, बातें तो बहुत सी हुई हैं लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं समझ आ रहा। अली शेर के चार सवाल हो गए, पहले भी शुरू कर लेते हैं। नवाज शरीफ की जो वापसी के ऑप्शन है दो हैं, एक तो ये कि वो शरीफाना तरीके से पाकिस्तान के एम्बेसी में सरेंडर कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि अब अगर पाकिस्तान की वो अदालत जिसमें उनकी अपील थी वो या ट्रायल कोर्ट जिसमें भी ट्रायल हुआ था उस कोर्ट के पास आके वो कह सकते हैं कि हमें ट्रांजिटरी बेल दे दें कि वहाँ से यहाँ तक आने पर, पाकिस्तान में जब जो ही वो आएंगे वो मफरूर के तौर पर तहवील में ले लिए जाएंगे और फिर अदालत में 24 घंटे में पेश करके उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा बंदी खाने में, एक पहलू। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो जजमेंट है उसके मुताबिक बड़ा क्लियर है कि हर हालत में देना है राइट ऑफ वोट जो पहले से मौजूद है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को। आपने कहा कि कोई टाइम लाइन तो हमने जो कानून बनाया उसमें भी दे दिया कि अगले इलेक्शन से पहले ये सारा अमल मुकम्मल करना है, और उसके लिए जो ईवीएम्स के ऊपर बजटरी प्रोविजन में फंड भी रख दिए गए इस साल, इसलिए फौरी तौर पे हम ये मुकम्मल करना चाहते हैं और प्रेफरेबली इन दिस ईयर। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन या दूसरे आप समेत जो लोग जिनके लिए ये सारा फेयर इलेक्शन कराने का बंदोबस्त करने के लिए कानून साजी की गई है वो जो जो तजावीज लाएंगे उन पर हम गौर करेंगे, और कोई तजवीज ऐसी नहीं होगी जिसको रीजन के बगैर मुस्तरद कर दिया जाए। जनाब इस वक्त नवाज शरीफ के हवाले से इस किस्म की जो बातें होती रही हैं या अभी जो बातचीत साफ कर रहे हैं, तो जो अपोजिशन जो एक अपना बयानिया पेश कर रही है और सैनेट में जिस वक्त मौजूद है ये हमारे इलेक्शन का मामला के इलेक्शन रिफॉर्म जो नहीं है, तो ये जो इजलास बनाया जा रहा है या जो कमेटी जो बनाई गई है क्या इसके जो हम दोबारा इसके ऊपर जो सोच रहे हैं या इसके ऊपर दोबारा से जो दोबारा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, तजावीज आएंगी तो सेनेट में ये कानून पास होगा नंबर वन। बाकी हबीब साहब आपको जवाब देते हैं। दूसरी बात ये आप जहन में रखें कि जो सेनेट है वो अपर हाउस है और उसमें नुमाइंदगी की तादाद दो तरह से बरतर है कौमी असम्बली के हवाले से, एक तो यह है कि सूबों को बराबर का वहां पर नुमाइंदगी मिली हुई है और दूसरा यह है कि वहां ज्यादा जो रीजनल पार्टीज और साइज के एतबार से स्मॉलर पार्टीज हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वहां वैरायटी ऑफ ओपिनियन जो है वो यहां से ज्यादा होगी। बाबर साहब ने जवाब दे दिया। जी आप थैंक यू। देखें जो कॉस्ट निकालने वाले डिपार्टमेंट है वो हम नहीं है, इसलिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान की बजाय हमने जो कानून है उसके मुताबिक इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और डेफिनेटली उसी ने इलेक्शन स्टीयर करना है और उसी ने सारे इंतजाम करने, ये वो देखेंगे कि मुनासिब कौन सी मशीन है और क्या उसकी कॉस्ट है। एक नई मशीन इस हफ्ते में उसकी भी लोगों ने देखी है, एक जो पहले चार पांच देखी गई उसके बाद भी सारे लोगों ने उसकी देखी है डेमॉन्स्ट्रेशन, एक पहलू। दूसरा ये है कि किसी कीमत के ऊपर भी इसको बंद गली में जाने नहीं दिया जाएगा, और जो जितने भी
मिसाल के तौर पे जी हमें बड़ा एतराज है, मशीन दो हफ्ते लगी रही ऑपोजिशन ने, आप सब ने देखी, ऑपोजिशन ने आके कोई उसका डेमो देखा या एतराज किया? ये कहना तो एतराज नहीं है, ये तो फरार है कि मुझे मशीन मैंने देखनी नहीं है। इसी तरीके से जब बजट आया तो उसको लड़ाई के लिए किताबें तो वो इस्तेमाल की गई और आंखें फोड़ने के लिए खातून मेंबर की, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। इसीलिए आपने देखा कि कितनी फीकी चार घंटे वाली तकरीर और बाकी तकरीरें हुई हैं, उनमें सब्सटेंस कोई नहीं था। तो सब्सटेंस इस बात में है कि पाकिस्तान में 1977 के बाद कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसपे सवाल ना उठाओ। अब उन सवालों के दो तरह से जवाब है, एक है खामोशी, वो रही नहीं जा सकती, इसलिए कि फिर पाकिस्तान को हम किसी टर्माइल में नहीं डालना चाहते कि अगले इलेक्शन के बाद फिर एक ट्रक बाहर निकला हुआ हो और इलेक्शन कमीशन के बाहर शराय दस्तूर पे मुजाहरा हो रहा हो। दूसरा तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप ये पूछिए क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि हर हल्के में 25 से 35 हजार मुख्तलिफ इल्जाम लगते आए हैं और आप लोग ही लिखते और बताते आए हैं कि जाली वोट बने हुए थे। अब लोग डरते इस बात से हैं कि वोट एक जगह बनाया जा सकता है, या आपके परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर बनाया जा सकेगा इस कानून के बाद, या आपका जो टेम्प्री रेजिडेंस है गांव में आप बनाना चाहते हैं फाबिया, यहां काम करते हैं इस्लामाबाद में बनाना चाहते हैं, इक्वली इजाजत है। वोट एक बनेगा, पहले तो एक आदमी चार चार हलकों में रजिस्टर्ड होता था, तो वो सारा भयानक ख्वाब नजर आ रहा है खासतौर पर जो नून लीग है उसको, कि वो जो छोटा मोटा बचा हुआ है वो भी दुकान उनकी खत्म हो जाएगी अगर वोट फेयर तरीके से डले और गिनती वाले उनको भी गड़बड़ करने की इजाजत ना हो। उसके लिए बहुत स्ट्रांग किस्म की गारंटीज है। मैं एक आप दोनों तीनों हजरात ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 49 है ना, इस पे 40 पे मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान पिछले दौरे हुकूमत में हमारे साथ ऑपोजिशन ने इतफाक किया हुआ है। जब कमेटी बैठेगी तो हम सारी बात खोलेंगे, डिटेल्स है हमारे पास। 40 पे 9 पे एतराज, कोई एक जुमला भी आइन के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि पढ़ के नहीं बताते कि कौन सी चीज आइन के खिलाफ है। ऑपोजिशन वाले कहे ना जी हमें एतराज है और फलां पे है, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। बातचीत और मुजाकरात के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत तमाम मामलात पार्लियामेंट में तय करना चाहती है, पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं, वोट के अख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है, शहबाज शरीफ आइन की खिलाफ वर्जी ना करें। क्या नहीं, जो पहला हिस्सा है इसका कि इलेक्शन कमीशन ने नुमाइंदा अपना प्रेसिडेंसी की मीटिंग्स में से विड्रॉ कर लिया, फेक न्यूज है। परसों जो मीटिंग हुई थी दो दिन पहले, मैं उसके दो हिस्से थे, पहले हिस्से में मैं मौजूद था और उसके बाद आपको याद है कट मोशन आए हुए थे, मुझे असेंबली में आना पड़ा, तो वो मौजूद थे वहां, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। एक बात ये हो गई, और ये फेक न्यूज के ऊपर ही सारी इन्होंने स्टोरी बनाई हुई है जो शहबाज शरीफ साहब की स्टोरी है। और जो दूसरी बात ये है कि हम इलेक्शन कमीशन शुरू दिन से ही ऑन बोर्ड होता है, उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसके जरिए से वो गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड होता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जरिए से, और जो कुछ वो कहना चाहें सदर साहब से वो भी हमारे मिनिस्ट्री से होके जाता है, जो सदर साहब उनसे कहना चाहें वो भी, यानी रूल्स ऑफ बिजनेस हर जगह कानून फॉलो हो रहा है और सारे इदारे हम ऑन बोर्ड करेंगे। उसके अलावा हम प्रेस क्लब्स को भी ऑन बोर्ड करेंगे, बार एसोसिएशन को भी, हर वो इदारा जो राय आमा को, लेट मी कंप्लीट, राय आमा को वो इदारा जो मदद कर सकता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर हूं। आपको याद है कि जब पहले टेस्ट रन हुआ था तो टेस्ट रन में सिर्फ तकरीबन 8000, 7 से 8 के दरमियान थे, 8000 लोगों ने, उस वक्त 75000 के करीब वोट थे उनके, अब वो करोड़ को पहुंच गए। उस सिलसिले में मीडिया का बहुत बुनियादी किरदार होगा और वो जो कंफर्म्ड न्यूज होगी गवर्नमेंट की उसको लेके, तो हम, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हमने मिलकर दरखास्त की थी कि आप भी एक बाकायदा कंपेन लॉन्च करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं कहता हूं वो सारे बाहर निकलें, कि जो ही रजिस्ट्रेशन का आगाज हो तो बैरून मुल्की पाकिस्तानी सबको वोट का हक मिलना चाहिए।
वोट के अख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। शहबाज शरीफ आइन की खिलाफ वर्जी ना करें, आइन के आर्टिकल के तहत 8 के तहत कुरान और सुन्नत और बुनियादी हकूक से मुतसादिम कानून साजी नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेज के इनकलाब पर पार्लियामेंट लीडर्स को मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ खुद गारंटर थे नवाज शरीफ के, लेकिन मुल्क से फरार हुए और फिर नाकाम भी हो गए। नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को आइन की यकीनी तौर पर पासदारी करना होगी। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक खबीब और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो आपने मुलाहजा की पीटीवी न्यूज़ से, यह थी ताज़ा तरीन।